माँ गौरी का पांचवा दिव्य रूप हो तुम, माँ स्कंदमाता ममता स्तूप हो तुम। नवरात्रि का पांचवा दिन, नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया, इसलिए माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी भी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। स्कंद की माता के रूप में उनका पालन करने वाली आदि शक्ति को पंचम स्वरूप स्कंद माता को बारंबार प्रणाम हो।